सब्सक्राइब कर दीजिए ग्राहक पॉइंट को और बेल आइकन को दबाइए इसी तरह के ग्राहक से जुड़े वीडियोस देखने के लिए। हेलो गाइस, ग्राहक पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित बर्मन। सो आज मैं बात करूंगा इस जैकेट के बारे में जो मैंने कुछ ही दिन पहले लिया है और मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी डाला था। सो इसमें अभी एक प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे लगा कि आपको एक अपडेट दे देता हूँ। हालांकि मैं देता हूँ अपडेट या फिर रिव्यू देता हूँ कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद, लेकिन आज क्या हुआ है कि मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा है तो इसलिए मुझे लगा कि आपको देना चाहिए अपडेट। सो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टिचिंग है, यहाँ पर मेरा ये फट गया था। यहाँ पर मैंने एक ही बार धोया था इसको और धोते समय ये फट गया था, यहाँ से निकल गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिचिंग देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक फट गया था और यहाँ का अंदर का जो भी कॉटन वगैरह है, जो आर्टिफिशियल कॉटन, वो यहाँ से दिख रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक फट गया था। सो काफ़ी अच्छा नहीं था, यहाँ पर देख सकते हैं देखने में काफ़ी ख़राब लग रहा था, इसलिए मैंने ये जल्दी से सिला लिया। और यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक पॉकेट का ये भी फट गया था एक ही बार धोने पर, और यहाँ पर पॉकेट भी फट गया था। मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस तरह से फट गया है और उस वाले पॉकेट का तो और भी बुरा हाल है, तो ये इस तरह से फट गया है। सो ये कपड़ा ड्यूरेबल नहीं है ये जैकेट। आप इसको धोए तो आप अच्छे से सावधानी से धोए, चाहे तो वॉशिंग मशीन यूज़ करें, अगर वॉशिंग मशीन है आपके पास तो आप वॉशिंग मशीन यूज़ करें इसे धोने में, और नहीं है तो आप कृपया करके आप हाथ से धोने पर संभाल के धोइए। क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा भी नहीं रब किया था, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि ये थोड़ा कमज़ोर है, मतलब स्टिचिंग वगैरह फट सकता है। सो इसलिए मैंने इसको आराम से किया, तभी भी ये फट गया। और इसको आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, हल्के हल्के रब किया था, मैंने ज़्यादातर यहाँ पर रब किया था, लेकिन ये पता नहीं क्यों, इसको मैं पानी में डालता हूँ, सर्फ के साथ मैं डुबा के रखता हूँ, तब ये बहुत ही भारी हो जाता है, सारा पानी ये सोख लेता है और सोखते ही काफ़ी भारी हो जाता है, एक कंबल की तरह हो जाता है। सो इसलिए ये काफ़ी भारी होने के कारण से, वेट के कारण से ये फट गया है। सो अगर आप लें तो इसको सोच समझ के लें। सो गाइस, इसमें इतना ही बताना था मुझे, ये पॉकेट और ये हाथ के साइड में जो फटा है उसके बारे में अपडेट देना था। चाहे तो आप ले सकते हैं और नहीं चाहे तो आप नहीं भी ले सकते हैं, और वॉशिंग मशीन है तो ही लीजिए, वरना आप हाथ से तो आप जितने भी आराम से कर लीजिए, लेकिन दो तीन बार में तो फट ही जाएगा ये। सो गाइस, इसमें इतना ही था गाइस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और मैंने अभी नया फेसबुक पेज खोला है उस पर मुझे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और जितने भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसमें भी मुझे फॉलो कर दीजिए, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, नहीं था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।